बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरे से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोलो। और सॉरी, मेरे हस्बैंड सुबह से जो भागा दौड़ी कर रहे थे, अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई। अब हम फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त मुबारक हो। और हमने डेकोरेशन सुबह किया था, पर वो बलून खा गए आगे, फूट गए। तो सुबह हमने करा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और आज मैंने, मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल था, बस वो उससे मैं रेडी हुई हूँ। मेरे पास चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो बस मैंने अपनी तिरंगे वाली चूड़ियाँ पहनी। और आज मैंने थोड़ा सा आई मेकअप किया है, और इतना हैवी मेकअप ऐसे दोपहर में करके जाना कहीं पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज भाई इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, आज हमारा देश जो है ना, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कैसे अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो बस आगे वीडियो में बने रहे, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इनकी स्पीच इनकी आप लोगों को बाद में सुनाएंगे, थोड़ी बहुत याद होगी। वैसे मैंने कुछ भी नहीं इनको पढ़ाया है, इनके स्कूल में जो कुछ हुआ होगा तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है हम लोगों का निकलने का। रोकी तो अभी से आएगा मोटरसाइकिल से। चलो 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 तो यहाँ से होता है हमारा सफ़र शुरू, और हम जा रहे हैं घड़ियाल, जो कि अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और कीचड़ देख ली थी कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अभी आप लोगों ने सुना, हम लोग बातें कर रहे थे कि ये जो नदी निकली है ना, उसका नाम है कुंवारी नदी। तो मम्मी बोल रही थी कि शादीशुदा नदी कहाँ है, तो आगे वो बोल रहे थे आगे है। तो आगे तो खैर चंबल है, क्योंकि ये धौलपुर रोड पर है। और अभी हम हो गए हैं एंटर घड़ियाल में, और स्टार्टिंग में आप लोगों को, जब घड़ियाल नाम ही है, तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि घड़ियाल में क्या चीज़ होगी। तो जाहिर सी बात है, अंदर घड़ियाल ही होंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, अच्छे से इसमें प्लांट लगा दिए हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को आगे डाल दिए हैं, और मतलब ये ट्रेन तो, और जिन्हों की स्कूल की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, हर जगह झंडे ही झंडे दिख रहे थे, हर घर झंडे में, और बहुत ही प्यारा लग रहा था आज के दिन। और यहाँ पर साइड में बोट रखी हुई है, तो चंबल है ना पास में, क्योंकि धौलपुर रोड पर है। मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग जानते होंगे, मैं एक बार धौलपुर गई थी दरगाह पर, तो बीच में चंबल पड़ती है। पूरा जी हिजाब खुल गया है। बोल लूंगी है ना थोड़ी देर। ओके, तो हम पहुंच गए हैं घड़ियाल। घड़ियाल ही है ना निकी, है ना घड़ियाल। तो और अभी तो जंगल ही जंगल सा लग रहा है। मैं घड़ियाल केंद्र, और अब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो एक्सपीरियंस अंदर जाके पता चलेगा कैसा रहा क्या है। अभी तो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, देखो पूरे में जंगल ही जंगल सा। अच्छा, ये बड़े बड़े से जाल में अंदर हैं इसके घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए वगैरह। पहले ना कछुए भी हुआ करते थे जहाँ, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, तो वहाँ पर यहाँ पर पहले कछुए भी हुआ करते थे। और लॉकडाउन से काफ़ी डाउन हो गया है।
हर जाति के घड़ियाल हैं, छोटे बड़े, और इतनी महीन जाली में थे ना ये कि कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और सबसे मेन बात अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि हम लोगों के साथ में क्या हुआ। जब हम लोग घर से निकले थे तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, और अभी आगे देखिएगा हम लोग जैसे ही उतरे ना, और अल्लाह का शुक्र है बारिश बिल्कुल से बंद हो गई थी। अच्छा, ऐसे केंद्र वगैरह में बच्चों को लेकर आने चाहिए, बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। खैर, हम लोग, मैं तो पहले शादी से पहले ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं गई हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सारी नॉलेज दी है, दीन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज दी है, जानवरों के बारे में भी नॉलेज दी है, और मतलब वो MR की लाइन में है तो बॉडी पार्ट्स के बारे में भी ना मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ देते रहते हैं वो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद जो मेरे टीचर बने हैं ना, मेरे हस्बैंड जो टीचर हैं ना, वो मेरे बहुत ही अच्छे टीचर हैं। हर चीज़ में मुझे गाइड करते हैं, हर चीज़ मुझे समझाते हैं, और दुनिया की भी ना काफ़ी सारी नॉलेज मुझको देते रहते हैं। और जब हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है ना, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यू पता चलती हैं। एक शादी से पहले जो हमारी लाइफ होती है ना, और शादी के बाद जो लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल चेंज होती है। यहाँ पर मगरमच्छ जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो 2 से 3 ही मगरमच्छ थे यहाँ पर, कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1-2 अंदर पानी के अंदर थे और काफ़ी दूर को थे ना, तो इसलिए मोबाइल में बहुत कम से आ रहे थे ये, बहुत मतलब सारे बिल्कुल आलसी से पड़े हुए थे, क्योंकि अब इंसान तो बाहर हैं, इन पे कोई अटैक भी नहीं कर सकता, इन पर भी नहीं कर सकता, और ये हम पर भी अटैक नहीं कर सकते, तो बस ये भी हमें देख रहे हैं और हम भी इनको देख रहे हैं। बिल्कुल आलसी से ऐसे पानी में पड़े हैं, पानी से बाहर पड़े हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, और देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना प्रकृति की, उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। इनसे दूर ही रहें तो ही बेहतर है। पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं इनको और कैसे इनको मैनेज करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब हुई हमारी भागा दौड़ी स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ पानी बारिश होने लगी थी। जैसे हम लोग एंटर हुए थे तब जस्ट पानी बंद हो गया था, और फिर इतना ज़ोर से पानी आया ना कि बस हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। और यहाँ पर है मॉन्स, ये घड़ियाल की और सबसे बड़ा, मतलब यहाँ का जो सबसे बड़ा होगा ना उसकी है, और ये एक बार में 30 से 40 अंडे देते हैं, और इनके ना अंडे भी रखे हैं पास में ही। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इस बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में जो है ना, वो इसके 2 से 3 अंडे रखे हुए हैं। इसके ऊपर की जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक खाल थी, चमड़ी थी हल्की फुल्की, वो बिल्कुल से हट गई है, ये सिर्फ हड्डी बची है। और ये कोई मसाले वगैरह में नहीं रखी, अगर मसाले में रखी होना तो ये थोड़ा सा सेफली रखी रहे, ऐसा कुछ नहीं लग रखी थी, ऐसी ही रखी थी। तो यहाँ पर ना घड़ियाल ही घड़ियाल मिलेंगे, बिकॉज यहाँ का नाम ही घड़ियाल है, और बारिश थोड़ी सी थमी हुई है, तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, हर जगह आपको छोटे बड़े मतलब साइज चेंज हो जाएंगे, बट वैसे वेरी स्मॉल यार, इतनी ज्यादा छोटे छोटे से हैं, मतलब ऐसा लग रहा है अंडे में से डायरेक्ट ही निकाल, इतनी पतली जाली है ना तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। और ये देखो, ये मेरा दुपट्टा वगैरह सब इसने खोल दिया लड़की ने। देखिए आप हमारा क्या हो गया, अब मैं इधर हटाती हूँ अपना और अपने रूप में आती हूँ, बिकॉज एमी ने पूरे दुपट्टे की हालत कर दी खराब। ग्रीननेस इतनी ज्यादा है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना व्यू, और साथ में मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर देखो कितने ज्यादा हैवी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बस थोड़ी सी यहाँ की लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेकार हो रही है लोगों की, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं ये सारे ना घड़ियाली हैं, इनका मुंह बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से ना ये इंसानों को नहीं खा पाते हैं।
लेकिन चोट तो फिर भी पहुंचा देते हैं। और ये सारा सिस्टम होगा और हर जगह ना छोटे छोटे से घर बने हैं, आई डोंट नो वो किस तरीके से बने। बारिश के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा, और बारिश की वजह से ना अच्छे से हम लोग घड़ियाल वहाँ पर नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ पर रुकने की जगह नहीं थी। और फिर सोचा कि अब जल्दी जल्दी से घूम लेते हैं, और जल्दी जल्दी घूमने में देखे हम लोगों को मंकी देखे जो कि हरी भरी घास में कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। 4 से 5 थे और आसपास के जंगलों से आ गए होंगे, वैसे यहाँ पर तो रहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। और यहाँ पर ना पिकॉक बहुत थी लेकिन मैं आप लोगों को कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर पाई बिकॉज वो दूर पर थी। और मैं घास में बारिश में जाना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि एक तो घास है, ऊपर से कीचड़ है, और फिर बारिश के मौसम में कीड़े वगैरह तो निकलते। यहाँ पर एमी ने फुल इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और उनको एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मम्मा मेरी जूती जो है ना वो टूट ना जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है ना कि हम जूतियाँ पहन कर जाते हैं ना तो वो टूट जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सोच रही थी कि ये जूती जो है ना वो बचकर नहीं जाएंगी। इनफैक्ट किसी की भी जूती जो है ना वो बचकर नहीं जाएंगी, ज़्यादातर जूती जूती उतार लेते हैं ना वो टूट ही जाती हैं, और सिर्फ डिज़ाइन रहता है उनमें अच्छा और वो अच्छी नहीं रहती। यहाँ निक्की भी पहनी हुई थी और मैं तो खैर सैंडल पहनी थी लेकिन मुझे उनका भी डर लग रहा था क्योंकि वो भी बहुत पुरानी थी। एमी से मैंने कहा कि आप उतार दें क्योंकि घर तक पहुँच जाए, वहाँ पर पहनना पड़ेंगे आप। लेकिन उन्होंने बस तो 5 मिनट के लिए उतारी थी, आगे बोट रखी है, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। अच्छा मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी देखने में, अगर पास में होता ना तो वॉक के लिए और बच्चों के लिए थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा मुरैना में ना छोटे मोटे पार्क होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे घूमने के लिए कहते हैं लेकिन मुरैना में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने भी सुना है कि मुरैना में एक पार्क इतनी बड़ी नाव का ड्राइवर देखो कितना बड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ लेकिन वो बोल रहे हैं कि कुछ खास नहीं। लेकिन मैंने कहा मुरैना में होला है, छोटा सा ही है, आप लेकर जरूर चलना। तो जाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। ये देखो चक्की मेरी गोदी से आ गई है, पूरे कपड़े गंदे मेरे कर दिए स्कूटी ने, और धूप मैंने जलाई ड्राइवर मौसम ठंडा हो रहा है, मजा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल गई है, जबरदस्त। बस ये दो झूले थे और बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए साइड में बड़े बड़े से स्टैंड से रख देते हैं ना, जिसमें हाइट वगैरह बच्चे थोड़े से हाइट के लिए पकड़ कर कूदते हैं। और स्लाइड थी यहाँ पर 3 से 4, लेकिन स्लाइड पे तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे, बस अभी आगे भी दिखाऊंगी कि स्लाइड पर बच्चे किस तरीके से कर रहे थे। तो एमी और जीनू को मैंने बिल्कुल भी नहीं जाने दिया वहाँ पर। और ये देखिए स्टैंग आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जनाब बहुत ज़्यादा स्टैंग कर रहे थे, और एक लड़का जो है ना वो ऐसे ही करते करते ना पीछे स्टैंग करते हुए गिर गया था कीचड़ में, बहुत बुरी तरह से। वो छोटा था इसलिए वो रोता हुआ अपने घर चला गया। और ये बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन जो बड़े हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, और इससे लग भी सकती है और उनकी बैक पे भी पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जीनू को तो खैर बस देखने में ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूँगी मम्मा, मैं वो कर लूँगी, लेकिन उनमें बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ है नहीं। वो जितनी बड़ी होती जा रही है ना उनकी एक्टिविटीज़ ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रही हैं। और बचपन में वो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ों पर चढ़ जाती थी, उछल जाती थी, कूद जाती थी, जैसे अभी एमी है इस टाइम।
एमी को मैंने बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, अगर वो यहाँ जाती ना तो वो ज़रूर इसके ऊपर चढ़ी ही जाती। लेकिन देखो यहाँ पर जीनू बस यहाँ से वहाँ जा रही, मम्मा मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, और पास में जाकर कहती हूँ मम्मा मैं चढ़ूँ कैसे, क्योंकि नसैनी वगैरह, अच्छा पहले के बच्चे नसैनी वगैरह पे चढ़ते थे ना तो उनको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लगती थी, ऐसी चीज़ें तो उनके लिए नॉर्मल थी, ये खेल खिलौने नहीं उनके लिए। तो पहले ज़माने में नसैनी वगैरह सीढ़ियाँ नहीं होती थी ना, तो वैसी लोहे की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी होती थी ना, तो उस पर ही चढ़ के अपने मनोरंजन कर लेते थे, और पेड़ पर झूले डालकर और बहुत अच्छे से और इतनी स्पीड में झूलते थे ना, क्योंकि पेड़ पर झूला तो मैंने भी बहुत झूला है, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस अभी छोटी मोटी सी भूख को हम मिटाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं, घर जाने की तैयारी करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? हंसी से पता कर सकते हैं कि कैसा लगा? सब कुछ मिक्स मिक्स सा है। कैसा लगा? अंजुम के पूरे दांत दिख रहे हैं अब बंद, इनका भी मिक्स है। ये है बटरफ्लाई, अब तो बन गई। चलो हो गए अपने, बस इतनी सी जगह में है, वो थोड़े बहुत घड़ियाल है। ये है हमारी छोटी सी ट्रेन, अच्छा ये चलती होगी क्योंकि इस पर पटरी भी है, अभी पटरी ना बंद है, है ना? इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। चले जी, रात हो गई और यहाँ पर मैंने आकर बारिश में गर्मा गर्म ताहिरी बनाई है, बहुत मज़ेदार, धुआं धुआं धार धुआं निकल रहा है, अभी देखो हवा कर रही है धुएँ को, और हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन एमी को जो है ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पहले मैं उसको खिला देती हूँ, बाद में मैं खाऊंगी हस्बैंड के साथ।